बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी, मतलब जैसी ये बाइक बनाई गई है उसके हिसाब से थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी मडगार्ड की लो सी लग रही है भाई। सिंगल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। टेल देखना भाई इसकी ऐसी लग रही है जैसी MT15 में टेल आती है, और ये टेल आपको LED में देखने को मिलती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये देखना भाई, ये देखना कितना साउंड कर रही है, मतलब ये चीज़ ना मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये देख भाई, अभी अपने साथ में अवेलेबल हो चुकी है यामा की FZS 2024-25 वाला वेरिएंट V4। इसमें क्या अपडेट्स हुए हैं और क्या अपडेट्स होने वाले हैं सब कुछ डिटेल में आज बात करेंगे। क्या इसका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है, कितना माइलेज देती है, कितनी टॉप स्पीड निकालने वाली है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आप अपने लिए 150 cc की बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक सर्च कर रहे हैं और माइलेज भी अच्छा दे दे और कम रेंज में मिल जाए, लगभग 1.5 लाख रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और ये बाइक भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए बात करते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शंस की। कलर भाई ये ज़बरदस्त नया वाला कलर खड़ा है, वाइट ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। ये कलर आपको MT15 में भी देखने को मिल जाता है। आइए बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और इसके वज़न की। वज़न की बात करूँ तो भाई 136 kg वेट आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की इसकी सीट हाइट है। जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए भी ये बाइक बेस्ट रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 165 mm का इस बाइक में हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। आइए अब फ्रंट में देखते हैं इसके फ्रंट में क्या कुछ देखने को मिलता है। फ्रंट जैसे ही हम इसकी की ऑन करते हैं तो यहाँ पर इसके DRL ऑन हो जाते हैं। ये देखिएगा इसमें यहाँ इसके DRL देखने को मिलते हैं, ये यहाँ, और फुल्ली LED हेडलैम्प सेटअप इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर छोटा सा ऊपर यामा का लोगो देखने को मिलता है, नंबर प्लेट का सेक्शन और साइड टर्न इंडिकेटर आपको भाई इसमें LED वाले मिलते हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में नहीं, LED वाले देखने को मिल जाते हैं। की ऑफ करते हैं और नीचे मडगार्ड की ओर आते हैं, तो मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी, मतलब जैसी ये बाइक बनाई गई है उसके हिसाब से थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी मडगार्ड की लो सी लग रही है, मतलब गाड़ी के लुक के हिसाब से, ठीक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन की बात करूँ तो भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है 41 mm के, इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है इसके अलॉय व्हील, मतलब इस कलर के साथ में ये वाले अलॉय व्हील काफ़ी अल्टीमेट लुक प्रोवाइड करते हैं भाई इस बाइक को। ये सेम कलर और यही अलॉय व्हील के साथ में आपको MT15 वाला वेरिएंट भी देखने को मिलता है, और ये इसके लुक को अलग ही लुक प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर इसके सस्पेंशन पर यामा की बैजिंग देखने को मिलती है। फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको भाई सिंगल चैनल ABS मिलता है, और फ्रंट में आपको 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। फ्रंट टायर की बात करूँ तो भाई फ्रंट टायर आपको इसमें ये देखेगा 180/17 का फ्रंट टायर देखने को मिलता है, और आई थिंक इसमें सीएट कंपनी का आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। टैंक की बात करें तो यहाँ पर टैंक पर स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है और एक जाली सी दी गई है जिससे इसको एयर पास की जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखना FZS 3D में देखने को मिलता है, वर्जन 4 यहाँ पर देखने को मिलता है। ज़रा पास आके दिखाना भाई, इधर से यहाँ दिखाना इसके फ्यूल टैंक को, FZS को दिखाना, वर्जन 4 काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर ऊपर की ओर यामा का लोगो आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी अल्टीमेट लगता है। और इसकी जो इसके टैंक पर जो स्टिकर है ब्लैक कलर के साथ में ऑरेंज कलर, काफ़ी अल्टीमेट लुक प्रोवाइड कराते हैं भाई। ऊपर से दिखाना इसका टैंक, यहाँ से ये टैंक कैफ आपकी इसकी सिल्वर क्रोम में देखने को मिलती है। यहाँ पर ब्लू कोर का लोगो देखने को मिलता है, A20 का सपोर्ट मिलता है। की इग्निशन को यहाँ पर प्लेस किया गया है, की आपको सेम देखने को मिलती है MT15 में भी, FZS में भी और R15 में भी सेम की देखने को मिलती है। इग्निशन यहाँ प्लेस हुआ हुआ है इसका, और जैसे हम इसके इग्निशन को ऑन करते हैं तो मीटर कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। यही मीटर आपको MT15 में देखने को मिलता है, इसमें TCS भी मिलता है। ये देखिएगा भाई, यहाँ से एक बार दिखाना, ये देखना TCS मिलता है, न्यूट्रल लाइट और यहाँ लो फ्यूल लाइट, ऊपर डिजिटल क्लॉक, RPM मीटर यहाँ मिलता है, नीचे ट्रिप मीटर, ऑडियो मीटर, स्पीडोमीटर यहाँ देखने को मिलता है, इधर राइट इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल गेज देखने को मिलता है। यहाँ ABS मिलता है क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, और हाई बीम लो बीम की लाइट यहाँ देखने को मिलती है, और ऊपर लो फ्यूल लाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर यामा की बैजिंग और यहाँ दो स्विच दिए गए जिनके हेल्प से हम इसके मीटर को ऑपरेट कर सकते हैं। सभी फीचर्स बटन दिखाऊं तो भाई यहाँ पर डेडिकेटिंग पासिंग स्विच, हाई बीम लो बीम का स्विच, और इसके नीचे साइटन इंडिकेटर का स्विच, नीचे हॉर्न स्विच देखने को मिलता है, इसके राइट में आपको इंजन कट ऑफ के स्विच, सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाता है।
इधर से दिखाना भाई नीचे, आपको उसकी सीट देखने हैं तो सीट काफ़ी अल्टीमेट है, इसमें सिंगल सीट मिलती है राइडर और प्लेन के लिए, काफ़ी कंफर्ट सीट रहती है और काफ़ी वाइड सीट इसकी देखने को मिलती है। ग्रेविल राउंड शेप में देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ये साइड अगर आपको उसकी कवर गिरे तो ये देखना साइड पैनल फिक्स है, मतलब किसी भी तरीके की आवाज़ साउंड आपको इस बाइक से देखने को नहीं मिलती है। ये देखना पूरा फाइबर एक दूसरे के साथ में अटैच है, मतलब ये देखना साउंड, ये देखना यहाँ से किसी भी तरीके का साउंड आपको इस बाइक से देखने को नहीं मिलता। इस बाइक में कोई भी क्विक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। रियर ब्रेक लीवर कुछ इस प्रकार का और राइडर फुट पैड ऑटो फोल्डेबल रियर फोल्डेबल मिलती है और यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट दिया गया है, इसको प्रोटेक्शन दी गई, यहाँ प्रोटेक्शन है और यहाँ पर भी प्रोटेक्शन दी गई है। रियर ब्रेक ऑयल यहाँ देखने को मिलता है। मोनोकोक सस्पेंशन के साथ में ये बाइक देखने को मिलती है, यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो भाई इसमें सिंगल चैनल ABS आता है और सिंगल चैनल ABS के साथ में इसमें रियर में 220mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। टायर हगर भी मिलता है, टायर हगर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अल्टीमेट यामा अपनी बाइकों में प्रोवाइड कराता है। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर 140/60R17 का टायर मिलता है और रेडियर टायर इसमें रियर में देखने को मिलता है। इसको जो एलॉय व्हील का जो कलर लुक देते रहा है इस गाड़ी के लुक को काफ़ी अल्टीमेट लुक प्रोवाइड कराता है। रियर टेल की बात करें तो की ऑन करते हैं तो टेल देखना भाई इसकी ऐसी लग रही है जैसे MT15 में टेल आती है और ये टेल आपको LED में देखने को मिलती है। नीचे नंबर प्लेट का सेक्शन, इसमें भी आपको यहाँ एक लाइट दी गई है, यहाँ एक रिफ्लेक्टर, एक यहाँ और एक यहाँ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है जो कि आपको LED में देखने को मिलता है। इस साइड दिखाना भाई, यहाँ पर आपको इसमें एक ये देखना टायर हगर में ये के साथ में ही अटैच मिलता है आपको साड़ी गार्ड। इसमें कोई भी LED फुटपैड देखने को नहीं मिलती है, रियर फुटपैड, और इसमें आपको सेंटर स्टैंड का फीचर्स भी देखने को मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है। चैन कवर नेकेट मिलता है, खुला चैन कवर देखने को मिलता है इसमें, और राइडर फुटपैड फोल्डेबल आती है, 5 गियर मिलता है फर्स्ट डाउन ऑल अप के बटन पर। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये देखना भाई, ये देखना कितना साउंड कर रही है, मतलब ये चीज़ ना मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये देखना मतलब ये कॉस्ट कटिंग की चीज़ है, ये कॉस्ट कटिंग यहाँ पर यामा ने अपनी इस बाइक पर की हुई है। सेफ्टी पॉइंट से साइड स्टैंड कट ऑफ किल्स भी मिलता है और यहाँ पर इसमें मेटल में नहीं, ये फाइबर में है, फाइबर में आपको इसमें जो है गार्ड भी देखने को मिल जाता है। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। दोस्तों इसमें यामा की ओर से 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 4 स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन यामा की ओर से इसमें लगा कर दिया गया है। पावर और माइलेज, पावर और टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिसकी हेल्प से आपको इसका जो माइलेज है वो भी अच्छा मिलने वाला है। कीजिए अगर इसकी मैक्सिमम पावर की तो 12.4 PS की पावर प्रोवाइड कराती है 7250 RPM पर, और मैं अगर इसके टॉर्क की बात करूँ तो 13.3 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है हमें ये बाइक 5500 RPM पर। पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रखा है कंपनी ने, जिसकी हेल्प से हमें काफ़ी अच्छा माइलेज इस बाइक से देखने को मिलने वाला है। आइए भाई अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, आपको इसका इंजन साउंड एग्जॉस्ट नोड प्रॉपर चेक कराता हूँ भाई। ये देखना अभी मैं इस बाइक पर बैठूँगा तो भाई काफ़ी अल्टीमेट सीट, मतलब इसका जो सीट है ना काफ़ी थोड़ी वाइड होने की वजह से काफ़ी अल्टीमेट, मतलब ये चीज़ है ना काफ़ी अच्छी फीलिंग करा रही है भाई। इसकी सीट मेरे को MT15 से ज़्यादा कंफर्ट लग रही है। बाकी आपको इसका इंजन साउंड सुनवाता हूँ, सेल्फ स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम में बाइक स्टार्ट हो जाती है आइडियल कंडीशन पर, आपको इसका इंजन साउंड सुनवाता हूँ। टोटल देके सुनवाता हूँ भाई, यहाँ ना पास भाई जरा एक बार RPM मीटर चेक कराओ, पास आके RPM मीटर चेक कराना, देख भाई ये देखना भाई इसका RPM मीटर, फ्रंट से इसका हाई बीम लो बीम भी चेक करा दो एक बार ही ना। ये देखिएगा भाई इसका हाई बीम लो बीम पासिंग, ये देखना पासिंग हाई बीम लो बीम काफ़ी अल्टीमेट रहने वाला है नाइट में इसका विज़न, क्योंकि नाइट में ये वाला जो इसका थ्रो है ना लाइट का काफ़ी अल्टीमेट रहेगा। बाकी आप अगर इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बताना नाइट विज़न इसका कैसा रहने वाला है। इसके इंजन को हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें इंजन कट ऑफ किल स्विच यहीं पर प्रोवाइड किया गया है, ये देखिएगा। आइए भाई अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। प्राइस की बात करूँ तो भाई ये एक शोरूम बाइक आपको 1,30,000 रुपये की मिलने वाली है
और कंप्लीट ऑन रोड ये बाइक आपको 157,000 रुपये की देखने को मिलती है। मिलेगी कहाँ? ये मिलेगी आपको महालक्ष्मी यामाहा रुड़की के अंदर, जो कि लोकेटेड है शेरपुर के अंदर। अगर आप इस बाइक को लेने जा रहे हो और हमारी वीडियो देखकर शोरूम में विजिट करते हो तो आपको इस पर 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। बात करूँ उसके माइलेज की, तो भाई ये बाइक आपको आराम से 45 से 50 का माइलेज प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि इस सेगमेंट की बाइक आराम से दे देती है। बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप अपनी इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की रोड कंडीशन है और किस प्रकार की राइडिंग कंडीशन आपकी रहने वाली है। बात करूँ इसके जो है वारंटी की, तो वारंटी यामाहा अपनी इस बाइक पर 2 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड कराती है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करा सकते हैं, उसका आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ता है। तो भाई आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।